नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हमारे साथ हैं हिंदू महासभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री रविरंजन सिंह जी। स्वागत है सर आपका। सर, आज हम बात करेंगे हिंदुत्व के ऊपर। जी, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर हिंदुत्व है क्या। हिंदुत्व एक जीवन शैली है जी, एक संस्कृति है जी, इस भूभाग की एक संस्कृति है जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं। हिंदू और हिंदुत्व, इसमें मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, आज हम जो हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हैं और हिंदू को जब हम धर्म कहते हैं, ये धर्म का एक हिस्सा है हिंदू, ठीक है। जीवन शैली आपके धर्म का एक हिस्सा है। धर्म सबके अलग अलग हैं जी, ठीक है। एक समय पे आप कई धर्म निभाते हैं। जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से कई शाखाएं निकली, या उन्हें अलग अलग वर्टिकल कह लो, अपने में इंडिपेंडेंट कह लो, वो सब अपने में बहुत सारे पंथ निकले। धर्म अलग चीज़ है, पंथ अलग चीज़ है, और मजहब या रिलीजन अलग चीज़ है। आपने हिंदू धर्म की बात करी, तो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीवन शैली है, जो सनातन धर्म, जिसमें एक मुख्य, उसका एक मुख्य अंग सनातन धर्म है। और धर्म हर तरह का होता है, हर एक का, हर एक आदमी, एक इंसान या एक जानवर, वो सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और एक आदमी या एक जानवर एक समय पे कई धर्मों का पालन कर रहा है। मैंने पहले भी ये कहता हूँ, एक व्यापारी एक समय में कई धर्मों का पालन कर रहा है। एक समय में, आसान भाषा में, आसान भाषा में ऐसे है, एक व्यापारी जो व्यापार कर रहा है, उस व्यापार के माध्यम से वो धन अर्जित कर रहा है, वो अपना व्यापारी धर्म निभा रहा है, ठीक है। एक सैनिक जो सीमा पे तैनात है, वो सीमा के ऊपर शत्रु को रोक रहा है, सीमा की रक्षा कर रहा है, वो अपना सैनिक धर्म निभा रहा है। उस धर्म से उसको कुछ आय भी हो रही है, उस निभाने से, अपना सैनिक धर्म निभाने से कुछ आय वो इकट्ठी कर रहा है। जो आय उसको इकट्ठी हो रही है, उससे वो अपना परिवार चला रहा है, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहा है, पत्नी को पैसा भेज रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है। तो वो उस समय उस सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक धर्म निभा रहा है, पिता धर्म निभा रहा है, पति धर्म निभा रहा है, पुत्र धर्म निभा रहा है, कई धर्म निभा रहा है। धर्म मतलब राइटियस ड्यूटी, आपको जो करना चाहिए, जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, नहीं तो प्रकृति ने जो आपके लिए बनाया, आप जो भी मानते हैं, जो आपको करना चाहिए, वो धर्म है। धर्म हम बार बार कहते हैं, शेर का धर्म क्या है? मारना, खाना। तो वो उसका रिलीजन नहीं है। पहले भी मैंने कहा है, रिलीजन और धर्म को आप मिक्स ना करें, ठीक है। अग्नि का धर्म है जलाना। रिलीजन और धर्म जी, आप अगर इसको मिक्स ना करें जी, तो रिलीजन और धर्म, इसके विषय में मतलब लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे हिसाब से जी। आप थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं, रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, मतलब क्या है? रिलीजन और मजहब जो है, दे आर सेट ऑफ रिचुअल्स, जो किसी ने एक रिचुअल, एक सोसाइटी ने या एक इंडिविजुअल ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, आप उस पर चल रहे हैं, वो आपका रिलीजन है। आप क्रिश्चियन हैं तो क्राइस्ट, जो धर्म क्राइस्ट से निकला, जो रिलीजन, धर्म जो रिलीजन, तो उसको मानने वाले क्रिश्चियन हैं, फॉलो कर रहे हैं। जो मोहम्मद को मानने वाले हैं, मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं, पैगंबर जो उन्हें मोहम्मद को मानते हैं, वो इस्लाम मान रहे हैं, ये रिलीजन है। आप एक समय पे क्रिश्चियन और मुसलमान नहीं हो सकते, या आप क्रिश्चियन होंगे या मुसलमान होंगे, आपका एक ही रिलीजन होगा, आप छह रिलीजन नहीं निभा सकते। मगर धर्म एक साथ, एक साथ। बट जो लोग माइग्रेट होते हैं, जो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो तो, पर फिर भी कन्वर्ट हो या ना हो, कन्वर्ट होने से पहले या बाद, वो एक ही धर्म, एक ही रिलीजन निभा रहा है। मगर उस रिलीजन में होते हुए भी
दोनों एक धर्म निभा रहे हैं, रिलीजन अलग अलग है। वो भी सैनिक है, वो भी अपनी सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक धर्म निभा रहा है, वो भी अपने बच्चे के लिए कर रहा है। वो दोनों अलग अलग रिलीजन से होते हुए भी, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए भी, दोनों अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अग्नि जब आपको जलाती है तो वो अपने धर्म का पालन कर रही है, उसका काम है, राइटियस ड्यूटी। एक भेड़िया है, वो शिकार करके आता है, अपने बच्चे को, बकरी का शिकार करता है, अपने बच्चे को खिला रहा है, वो अपना पिता धर्म निभा रहा है, वो रिलीजन नहीं है, क्योंकि उसका धर्म है बकरी के बच्चे को मार के आना लाना या कुछ भी करना। या अब ये मेरा धर्म नहीं है कि मैं जाके बकरी के बच्चे को मारा हूँ। मैं अगर मैं मांसाहारी हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, ये मेरा कंपल्शन नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है। मगर भेड़िए का धर्म है, वो उसकी ये ड्यूटी है, तो मैं भेड़िए को गलत नहीं कह सकता कि वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो इसीलिए बना है। तो ईश्वर की दी हुई, प्रकृति की दी हुई हर चीज़ का अपना धर्म है, प्रकृति का भी अपना धर्म है। बट अगर आप इंसान की बात करें, मतलब इसके अपने आप को, हाँ, वो उस धर्म को मानने के लिए, हाँ, जैसे उसके लिए आप कई पंथों से चलते हैं जी, ठीक है ना, वो पंथ कोई भी हो सकता है, वो पंथ है, वो धर्म नहीं है। धर्म और पंथ में बहुत फर्क है। आपका मत अलग हो सकता है, दो मानव हैं, दोनों अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग मत रख सकते हैं, मगर धर्म दोनों का एक ही है, प्रकृति की रक्षा करना, वसुंधरा की रक्षा करना, ये दोनों का धर्म है। वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, उसका धर्म है। अगर माँ बाप की सेवा कर रहा है या वो किसी गरीब को बचा रहा है, तो पंथ उसका कुछ भी हो, मत उसका कुछ भी हो, मगर ये धर्म उसका एक ही है। हिंदुत्व की विचारधारा क्या है? हिंदुत्व एक जीवन शैली है जी। इसको आप एक विचारधारा में नहीं बांट सकते, जिससे अगर हम हिंदुत्व को अगर हम एक पंथ, एक मत की तरह से देखते हैं, तो हमें उसमें से जो निकला है, आदिकाल से जो निकला है, वो सनातन धर्म है। तो उस मानव धर्म को निभाने के लिए जो एक पंथ बहुत पहले सामने आया, वो सनातन धर्म है। और हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व के कई मतलब हैं। हिंदू क्योंकि जैसे मेरी मातृभाषा पंजाबी है, ठीक है, पंजाबी में कहने से पाजी, प्राजी, ये शब्द गैर पंजाबी के लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है। वो या तो पाजी बोलेगा या भराजी बोलेगा, या वो पाजी नहीं बोल सकता। हर भाषा की अपनी दिस इज कवर मदर टंग इन्फ्लुएंस। हाँ, इसी तरह अरबी में पा शब्द नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं बोल सकते, वो इसको पाकिस्तानी बोलते हैं जी, ठीक है। तो इसीलिए अरबी कभी कोई पाप भी नहीं करते, वो बाप ही करते हैं। तो अब वो लोग सिंधु ना बोल के इसको हिंदू बोलते थे, जो सिंधु नदी से आ गया। एक ये हिंदू, एक ये डेफिनेशन है, और धीरे धीरे वो पक गया, तो ये हिंदू आ गया। इसके और कहीं कारण है। अरबी भाषा में सुंदर को भी हिंदू कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ की प्रकृति या यहाँ के लोग सुंदर लगते होंगे उनको, तो उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। सिंधु नदी के इधर वाले हिंदू हो गए, ब्रह्मपुत्र तक हम हिंदू ही कहलाते हैं, आगे कंबोडिया वगैरह भी हिंदू ही हैं। तो ये एक भूभाग की रहने वाली जनजाति, उसको उन्होंने हिंदू कहा, हिंदू धर्म नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी है हमारे देश में, तो वो अपने आप को हिंदू तो हिंदू जो है वो मानते तो हैं, लेकिन हिंदुत्व क्या है ना ही जानते हैं, ना ही समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी जो आज बूढ़े हैं, वो भी युवा थे, अगर उनको शिक्षा नहीं मिली, ये एक दिन में गिरावट नहीं आई। दासता, हम दास रहे, और धीरे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, हम दास रहे, चीजें बदलते में समय भी लगता है, और
मानसिक दास रहे, और अब हम और ज्यादा मानसिक दास हो रहे हैं, मानसिक गुलाम। हाँ, ये जो शब्द है आप गुलाम कह रहे हैं, मैं दास कह रहा हूँ, यही अपने में फ़र्क है कि मैं एक विदेशी भाषा का शब्द इस्तेमाल करता हूँ। आज हम इतने आज हम अपनी भाषा बोल नहीं पा रहे क्योंकि हमारी इतनी, मैं मेरे को अरबी या उर्दू, या उर्दू के मैं बहुत पास हूँ, उर्दू के काम के मेरे को अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अब हम इतने उसके ऊपर निर्भर हो चुके हैं कि हम अपने दो वाक्य नहीं बोल सकते अपनी भाषा में। ये एक दिन में नहीं हम निर्भर हुए, ये समय, एक समय लगा, और चरणबद्ध तरीके से एक प्रोग्रामिंग के तहत, एक जिहाद के तहत, लैंग्वेज जिहाद के तहत, फूड जिहाद के तहत हमारा कल्चर बर्बाद किया गया। अब जिसे हम आज़ादी कहते हैं वो पहुंचने तक हम इतने इसमें मजबूर हो चुके थे कि हमको वो दास्ता अब आगे बढ़ानी पड़ रही है। हो सकता है किसी समय में किसी ने तलवार के बल पे इस्लाम कबूल करवा लिया हो, या वो किसी लालच में चले गए हों, या क्या हो, वो एक अलग विषय है। आज मैं और आप पेंट और कमीज़ पहन के बैठे हैं, मैं पेंट के और कमीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, परिधान के खिलाफ नहीं, परिधान के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरे इस मौसम को जो सूट करता है। आज भी हमारे कोर्टों में जज साहब और वकील साहब बड़े बड़े काले कोट पहन के आते हैं, ये तो अंग्रेजों ने जैसे ये तो आज है, और आज भी बड़ी आज आज हाँ आज अगर हम उस कोर्ट की जगह कोई सिंबॉलिक चीज रख लेते हैं, जैसे अमेरिकन्स ने विग उतारा, हमने भी विग उतारा, कभी यहाँ पे भी विग पहनते थे, तो उसकी जगह अगर हम सिंबॉलिक चीज़ कोई रख लेते हैं कि इससे पता लगेगा, या सफ़ेद और काला ही रख लेते हैं, मगर कोट हटा देते हैं, या उसको एक वो दे देते हैं कि पता कैसे लगे कौन वकील है। आजकल तो खैर आई कार्ड से अंदर जाने देते हैं वकील को भी, तो ठीक है। मगर आज अगर हम काला कोट ना पहने तो क्या अमेरिका या इंग्लैंड जहाँ की ये, हालांकि अमेरिका ने तो त्याग दिया इसको, विग को, तो वो काले कोट वाली कंट्री क्या हमारे ऊपर कोई अपनी एयरफोर्स भेज के हमला करवा देगी कि साहब आपके वकील काला कोट क्यों नहीं पहनते, इसलिए मैं भारत के ऊपर हमला कर रहा हूँ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप काला कोट पहने, नीला कोट पहने, कोट ना पहने। ये हमारी मानसिकता है। जिस समय मैं जाता हूँ किसी होटल में, बड़े होटल में आप जैसे लोग बुलाते हैं फाइव स्टार में, तो अगर मैं कुर्ता पजामा पहन के जाता हूँ तो वो ऐसे देखता है कि जैसे ये पता नहीं कहाँ से आ गया। एक दुकानदार है, केमिस्ट है, बेच रहा है दुकान पे अपने बैठा। वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो जो वेस्टर्नाइजेशन हमारे देश में इतनी तेजी से ऑलरेडी फैल चुका है, तो लोग जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, अननेसेसरी वेस्टर्नाइजेशन। जहाँ पे मुझे जरूरत है, उन्होंने बहुत सी चीज़ों का आविष्कार करा और उसका हमको उनका धन्यवाद देना चाहिए। अगर हमने उनको शून्य दिया, जीरो दिया, तो उन्होंने भी हमें बहुत कुछ दिया, ठीक है ना। ये आदान प्रदान है। आज जो हम चश्मा पहन रहे हैं, आज जो वो, ये सब आविष्कार और ये सब ये वहाँ हुआ, और हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ। मगर बात यह है कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो अनुकूल नहीं है। यहाँ पे एक केमिस्ट दुकान चला रहा है, मैं देखता हूँ कई बार जाता हूँ, 45 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर है, बत्ती है नहीं, लाइट गई हुई है। अब वो साहब बैठे हुए पैंट पहन के और टाई पहन के वो दवाइयाँ बेच रहे हैं। अगर वो टाई नहीं पहनेंगे तो क्या वो दवाई की असर कम हो जाएगा? मगर ये इनकी मानसिक गुलामी है, दास्ता है कि अगर मैं टाई पहनूंगा तो मैं सभ्य माना जाऊंगा। और सच्चाई भी ये है, अगर कोई डॉक्टर, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर, वो एक दिन आ गए तो मेरे घर में कोई काम करती थी, बड़ी बीमार थी, तो उन्होंने देखा, वो डॉक्टर MBBS MS डॉक्टर हैं, और MS ही नहीं है, उन्होंने और भी बहुत कुछ करा हुआ है, उन्होंने बता दिया और उन्होंने लिख दिया, तो और मैंने दवाई भी मंगवा दी। दो तीन दिन के बाद वो आई, बोली हाँ आराम तो है, मगर कोई असली वाला डॉक्टर अगर मुझे देख ले तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा आपको कैसे पता वो नकली था? नकली था वो, इतने पढ़ रहे। नहीं नहीं वो ठीक है, मगर उनके जो वो डॉक्टर लगते नहीं थे।
तो ये क्योंकि अब ये समझ लिए कि मुर्गी अंडे वाली कहानी समझ लें कि वो डॉक्टर तभी माना जाएगा जब वो कोट पैंट पहन के आएगा, एक टाई बढ़िया सी लगा के, और थोड़ी बहुत ऐसी अंग्रेजी बोलेगा जो ना उसको समझ आ रही है ना सुनने वाले को समझ आ रही है, तो वो डॉक्टर हो गया। डॉक्टर की मजबूरी है कि अब उसको टाई लगानी शुरू, और उसकी टाई लगाते लगाते हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें डॉक्टर वही समझ आता है जिसने टाई लगा रखी है, जिसकी वेशभूषा वैसी है, तो वेस्टर्नाइजेशन के या डॉक्टर का जो उसने रूप दिया हुआ है, जो एक छवि है, एक अगर एक धोती, एक हाँ, तो ये पिक्चर जो है ये धीरे धीरे हमको बदलनी है। हमको जिस समय हमारे टेक्स्ट बुक्स में, हमारी और जगह पे इस तरह की एक तस्वीर आएगी, छवि आएगी कि एक चुटिया वाला बैठा हुआ, धोती वाला बैठा हुआ दवाई बना रहा है, तो धीरे धीरे हमारी ये बदलेगी, क्योंकि हमें बताया ये गया कि डॉक्टर वही है जो टाई लगाता है, वकील वही है जो काला कोट पहनता है। तो ये चीज़ें हम अपने से ही ये गुलामी हमारे को, ये दास्ता हमको अपने से हटानी है, और ये इसके लिए हमें को किसी से, कोई अमेरिका से परमिशन नहीं लेनी, किसी से नहीं लेनी, उनको हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अब हम खुद ही उनके दास बने जाएं तो उनको क्या प्रॉब्लम है। जी, अगर मैं वीर सावरकर जी की बात करूं, जी, जिन्होंने हिंदुत्व क्या है वो सिखाया था, उनका बहुत सारी किताब भी है, जी जी, जब वो जेल में बंद थे जी बहुत सारी किताब भी लिखी, जी, तो जो हिंदुत्व और आज की जो मौजूदा वक्त है उसमें डिफरेंस मेनली क्या है? देखिए, हिंदुत्व धर्म ये तो वही था जो 100 साल पहले था, 1000 साल पहले था, आदिकाल से चला आ रहा है। जिस हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं, जिस हिंदू की अगर हम बात करें, जिसको हम एक रेस भी कहें जो इधर रहती थी, वो एक खास कल्चर मानती थी, उसको अगर हम हिंदू कहते हैं तो वो 500 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है, ठीक है ना, और धर्म भी वही है। तो वीर सावरकर जी ने सिर्फ उसको डिफाइन करा, रीडिफाइन नहीं करा, दोबारा आप वो सच्चाई को सामने लेके आए। और हिंदू कोई भी हो सकता है, हिंदू नास्तिक भी हो सकता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वीर सावरकर जी ने जो हिंदुत्व का सपना देखा था, जी, क्या आज वो सपना साकार हुआ है? साकार नहीं हुआ, और इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ, मैं और आप, हम दो लोग जिम्मेदार हैं। हम ईमानदारी से अपना प्रयत्न नहीं कर रहे, अगर हम अपना प्रयत्न कर रहे होते तो आज ये नहीं होता। और जैसे मैं और आप जिम्मेदार हैं, इस तरह के हम करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ आज में जिम्मेदार हैं। ये सांझी जिम्मेदारी है, ये दिस इज़ अ कम्युनिटी फेलियर, दिस इज़ अ कॉमन फेलियर, ये एक इंडिविजुअल का नहीं है। उसमें कुछ इंडिविजुअल्स ने रोल ज़रूर प्ले करे, जैसे एक बीच में बहुत समय तक कांग्रेस जैसी पार्टी आ गई, अगर अंग्रेज़ी में मैं उसको, तो पहले ही जिसका शुरुआत कौन से शब्द से होती है, कौन यानी चोर यानी धोखेबाज, और वो पार्टी आ गई और जो भी उन्होंने करा आपके सामने ही है। और जिस तरह से बंटवारे के कई साल बाद इमरजेंसी में सेकुलर शब्द घुसाया गया, और धीरे धीरे ये किन इन्फ्लुएंसेस में हुआ, जो पार्टी खुद एक विदेशी प्रभाव में थी, अभी कुछ साल पहले बोल रहे थे कि साहब कांग्रेस बहुत बदल गई है, बहुत लंबा रास्ता तय करा, मैंने कहा हाँ बहुत लंबा रास्ता तय करा, आयरलैंड से लेके इटली तक का। सर ह्यूम्स एक आयरिश आदमी थे और मैडम सोनिया इटली से हैं, तो ये वो देश है जहाँ पे हमें नेता इटली से इम्पोर्ट करना पड़ता है और वोटर बांग्लादेश से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो जब नेता भी विदेश से है और वोटर भी विदेश का है, जो भारतीय क्रिश्चियन है, ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि अब वो जिस कारण से भी बने, या एंग्लो इंडियंस रहे, आप 71 की वार देखें, ये देखें, तो यहूदियों ने, ज्यूस जो गिनती में थे, पारसी जो गिनती में थे, उन्होंने 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई में, युद्ध में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सवाल ये है कि जब आप हिंदू की बात करते हैं, या जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि आप जिस भूभाग में रह रहे हैं,
आपकी आप रह यहाँ रहे हैं, मगर आपकी आस्था कहीं गिरवी पड़ी हुई है। नहीं, आस्था तो गिरवी इसलिए पड़ी हुई कि मुझे पता ही नहीं मेरा सत्ता क्या है। अगर आपकी आस्था रोम में गिरवी पड़ी हुई है या कहीं और गिरवी पड़ी है तो आप हिंदू नहीं हैं। मगर अगर आप मेरे जितना ही मेरे से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इस देश को अपना समझ रहे हैं, इसको ये नहीं समझ रहे कि हम यहाँ तो कभी रूल करने आए थे और अब रूल ही हमने करना है, या आप ईसाई इसलिए नहीं बन रहे कि आप किसी प्रभाव में बन रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब प्रोग्रामिंग के तहत, एक साजिश के तहत आपको बदला जा रहा है। और जो एक बड़ी स्पष्ट बात है, जो प्रोटेस्टेंट्स थे या कैथलिक भी रहे होंगे, जो अंग्रेज़ों के टाइम पे बना 65-71 तक, मैं खुद मिशनरीज क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ा हूँ, यहाँ तक के मेरी माता, मेरे नाना, हम चार पीढ़ियों से, मतलब मेरे नाना के पिताजी और उनके पिताजी फ्रांस से पढ़ के आए थे, मगर उस प्रभाव को मैंने अपने ऊपर नहीं आने दिया, ठीक है ना। तो when it comes to English, I speak Queen's English, okay? पर जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो मेरी हिंदी से में कोई त्रुटि नहीं है, जहाँ तक एक आम उसकी बात करूँ। आज हम सबके ऊपर विदेशी भाषाओं का प्रभाव है, मेरे ऊपर भी है। तो ये एक बात है, हमारा किसी रिलीजन से कोई अवेयर नहीं है। हाँ, वो रिलीजन अगर उसको ये सिखा रहा है कि तेरी तूने रहना यहाँ है, खाना वहाँ है, उसको गुलाम करना है, और तू यहाँ पे इसीलिए आया है कि ये फलाना दारुल है, ये फलाना दारुब है, और तेरे को यही करना है, यही तेरी इंटेंशन है, तो हमें उनसे प्रॉब्लम है। क्या हिंदुत्व भी खतरे में है? देखिए, फिर हिंदुत्व की अगर आप ये डेफिनेशन दे रहे हैं कि जो सिंधु नदी के इधर है वो हिंदू है, तो वो कैसे खतरे में है? उसका कोई भी मजहब हो जाए वो हिंदू रहेगा, तो हिंदुत्व तो खतरे में नहीं है। खतरे में धर्म है, यानी खतरे में वो है कि जिस धर्म की हम पालना करते थे, मानव धर्म की, सनातन धर्म की, जिन पंथों से हम करते थे, वो पंथ खतरे में है। अब अगर सिख पंथ की बात करो तो हमारी डेमोग्राफी नीचे जा रही है, फॉर रीजन व्हाट एवर, प्रचार ख़त्म हो रहा है, और हम प्रचार से ज़्यादा, विचार से ज़्यादा हम कर्मकांड में जा चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो गलती है, हमको अंदर से सुधारनी है, बजाय इसके कि हम इसको ब्लेम करें, उसको ब्लेम करें, इससे झगड़ा करें, उससे झगड़ा करें। हाँ, अगर कोई हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो हम नहीं होने देंगे। ये भारत के सभी पंथ इस समय खतरे में हैं। मौजूदा हालात में ऐसे कुछ संगठन भी हैं? देखिए, हम हिंदू महासभा वाले हैं जी। हम अपनी जगह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी भारतीय पंथ हैं इनको संजो के रखें, और इस पर कोई किसी ऐसे मजहब का प्रभाव ना आने दे जो आपको जबरदस्ती हिंदू बनने से, आपको धार्मिक बनने से आपके पंथ को रोक रहा है। और इसके ऊपर जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपसे पहले भी बात हुई है, तो इसके ऊपर मतलब हिंदू महासभा क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहला हमारा जो सिंबल है, राम जन्मभूमि केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। आज राम जन्म की तारीख थी, अब 6 अगस्त से लगातार तारीखें होंगी, लगातार सुनवाई होगी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये केस ही क्यों है। डिस्प्यूट तब होता जब हिंदुओं का ये कहना है कि यहाँ पे हमारे आराध्य श्री राम जी का जन्म हुआ। अगर उसका काउंटर आर्गुमेंट मुसलमानों के पास होता, उनका ऐसा कुछ दावा होता कि हमारे फलाने पीर साहब का, फलाने पैगंबर साहब का, फलाने मौलाना साहब का यहाँ पे जन्म हुआ था, तो इसलिए हमारा भी क्लेम है। तो ऐसा कोई उनका क्लेम है नहीं कि हमारे यहाँ पे फलाने पीर साहब हुए, तो इसलिए कोई कंटेस्ट है ही नहीं, कोई केस है ही नहीं। अब अगर किसी बाबर ने या उसके मीर ने या बाकी ने या जिसने भी आके कुछ बना दिया, तो उससे वो धार्मिक नहीं हो गया,
उसने एक स्ट्रक्चर बना दिया, वो धार्मिक नहीं हो गया। और बाबर, अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि वो हमारे बहुत बड़े पीर थे, तो आप साहब हमारा क्लेम छोड़ दें, क्योंकि हम बाबर को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, उसको हम अपना पीर मानते हैं, तो डिस्प्यूट का मामला। फिर मैं सोचूंगा यार, या इनके या हमारे आराध्य की जगह बनेगी, या इनके कि चलो मैं इन्हीं को दे देता हूँ, ये मैं सोच सकता हूँ। मगर ऐसा तो कोई है नहीं, बाबर कोई पीर नहीं था, और किसी पीर का वहाँ पे जन्म नहीं हुआ, किसी पैगंबर का वहाँ पे जन्म नहीं हुआ। तो जब जन्म हमारे आराध्य का हुआ, हमारे राम जी का हुआ, और उससे उसके कई हजारों वर्ष एक लुटेरा आता है और वो वहाँ पे मंदिर को तोड़ के एक वो बना देता है, तो इस डिस्प्यूट में हमें जाने के लिए डिस्प्यूट तो है ही नहीं। अगर वो ये कहते हैं कि राम साहब पैगंबर, बाबर साहब कोई नबी थे, कोई वो थे, तो फिर और उनका यही जन्म हुआ था, अगर ऐसा कुछ है तो वो डिस्प्यूट बनती है कि वो अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अब दोनों में से किसका हो। अगर ऐसा कोई क्लेम है ही नहीं, तो केस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही बात है। अभी तो सरकार मेजोरिटी में है, हाँ, तो आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार मेजोरिटी में है ये अलग विषय है, आज सरकार चाहे तो कर सकती है, मगर कानून जो वहाँ से सबूत निकले हैं, वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि यहाँ मंदिर था। पिछले दो मैनिफेस्टो, अगर मोदी 1.0 2.0 की हम बात करें, तो उनके मैनिफेस्टो में एक ही मुद्दा, अगर हालात हमारा साथ देगा, राम मंदिर जो है जरूर बनेगा। देखिए, ऐसा मैनिफेस्टो है या क्या है उस पर नहीं मैं कहूँगा, उनका बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो है, उसकी ये है। आज की स्थिति में सरकार भी बना सकती है और कोर्ट भी बना सकती है, न्याय भी यही कह रहा है, न्याय का मंदिर भी यही कह रहा है, और गोल मंदिर से भी यही आवाज़ निकलनी चाहिए। और जो इसका विरोध कर रहा है, वो चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, अगर उसका कोई विरोध कर रहा है, तो वो भारत की आत्मा का विरोध कर रहा है अपने, चाहे आज जो मुसलमान भी है उसका भी DNA वही है, और वो भी कोई उसका कोई अरब से DNA नहीं आया है, और उसके भी वो आराध्य हैं, और चलिए आराध्य ना कहें तो हम हैं तो उसी DNA तो हमारा वही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है इसको लेकर राजनीति किया जा सकता है? नहीं, राजनीति तो है ही है। देखिए, धर्म नीति से राजनीति अलग नहीं हो सकती। ये राजनीति क्या है, राज आप कैसे करेंगे, एक नीति से करेंगे जी। और वो नीति जो है, जो हमारे यहाँ पे है, वो नीति धर्म पे आधारित होनी चाहिए। आस्था को लेकर राजनीति क्या जरूरी है? नहीं, आपने पहले आपको आपने जो सवाल किया कि नीति राजनीति यानी राज करने की नीति, वो जो नीति है वो धर्म पे आधारित होनी चाहिए। तो राजनीति और धर्म को कैसे आप अलग कर लेंगे? अगर महाभारत जो हुआ, इसके कारण राजनीतिक थे, मगर ये धर्म का युद्ध था। हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि ये धर्म का युद्ध नहीं था, ये युद्ध धर्म का था। राजाओं में लड़ाई थी, राज की लड़ाई थी, मगर धर्म की लड़ाई थी। ठीक। तो धर्म और राजनीति को आप अलग कर दें, पाकिस्तान हिंदुस्तान दो एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटीज बने, अलग देश बने, अलग राजनीतिक देश बने जी। आधार क्या था? धर्म। हाँ। कोई इस तरह से तो अलग नहीं हुए कि कांग्रेसियों ने पाकिस्तान ले लिया और हिंदू महासभा ने भारत ले लिया, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं। तो फिर क्या आधार क्या था इस बंटवारे का? धर्म। हाँ। जो एक राजनीतिक बंटवारा हुआ ना, पॉलिटिकल एजेंडा और कहीं ना कहीं धर्म। देखिए, इन दोनों चीजों को धर्म में सब कुछ आता है, धर्म में राजनीति भी आती है, धर्म में राज भी आता है, धर्म में सब कुछ आता है। हिंदुत्व क्या है, क्या है इसकी परिभाषा, अभी हम जान रहे थे श्री रविंद्र जी से। अगर आपका भी कुछ सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपका सवाल जरूर लिखिए, हम उसको जवाब देंगे। धन्यवाद।